बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज का सिलसिला जारी था। इस फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एमसीक्यूज 2017 में दो पेपर बने। एक पेपर फॉर द रेगुलर स्टूडेंट था, एक पेपर फॉर द फेलियर स्टूडेंट था। ये वो स्टूडेंट का पेपर बना जो फर्स्ट ईयर में फेल हो गए थे, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर का पेपर भी अटैम्प्ट करेंगे, उनके लिए एक अलग पेपर जो है वो बनाया जाता है। उस पेपर को फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फेलियर मॉड का नाम देते हैं। इसमें चंद क्वेश्चंस एडिशनल तौर पर एमसीक्यू पूछे गए और मुझे एमसीक्यूज अच्छे लगे और मेरा ख्याल है कि आप लोग भी उन एमसीक्यूज को आप देख लें ताकि अगर ये रिपीट हों तो आप जो है उनको अटैम्प्ट कर सकें। आप बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2017 एमसीक्यू फॉर द फेलियर मोड। ठीक, तब पूछा गया क्वेश्चन 1+2+3+ डॉटेड के साथ एन लिखा हुआ है। इस पूरे इसको हम सीरीज का नाम देंगे। ये वेल नोन सीरीज है, वेल नोन नंबर है 1+2+3+ डॉटेड के साथ एन। इन नंबर्स को नाम दिया जाता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या नाम देंगे इसको हम? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इनको नाम देंगे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का नाम देंगे। और इन नंबर का सम, यू मस्ट रिमेंबर, इन नंबर का सम होता है एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू के बराबर होता है। इन नंबर का सम होता है एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। अगर ये नंबर इस तरह से लिखे होते 1² + 2² + 3² + डॉटेड के साथ एक्सप्रेशन लिखा होता तो यहाँ पर इन नंबर्स के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते फार्मूला। वो फार्मूला प्रीवियस वीडियो में हमने कराया था, वो फार्मूला है एन, एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये उसका फार्मूला है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कराया। लेकिन इस मरतबा पूछा गया है 1+2+3 डॉटेड के साथ n, इन नंबर्स को फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कहेंगे। इसका फार्मूला n, n प्लस वन अपॉन टू के बराबर आता है। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ ए प्लस बी रेस्ट टू पावर 8। अब यहाँ आप देखें ए प्लस बी रेस्ट टू पावर 8 बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे वी गेट 9 टर्म्स। कितनी टर्म हासिल होंगी? 9 टर्म्स हासिल होंगी। बेटा यहाँ ये जो n लिखा हुआ है, यहाँ पावर लिखी हुई है n, n की वैल्यू 8 के बराबर है, n की वैल्यू 8 है। इसको हम नाम देंगे इवन पावर का नाम देंगे। और आप जानते हैं जब पावर इवन हो तो वहाँ एक मिडिल टर्म मिला करती है, सिंगल मिडिल टर्म मिलेंगी। अगर पावर इवन हो तो वहाँ मिडिल टर्म जो है वो आपको सिंगल मिडिल टर्म हासिल हो जाएगी। उस सिंगल मिडिल टर्म को मालूम करने के फार्मूला है n अपॉन 2+1 के इक्विवेलेंट है, n अपॉन 2+1। यहाँ बेटा n की वैल्यू 8 है तो 8 अपॉन 2+1, 8 अपॉन 2 4 हो गया, 4+1 5th। तो इसके माने ये हुए कि इस एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म जो है वो कौन सी टर्म कहलाएगी? 5th टर्म विल बी द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। अब बेटा इसके थर्ड पार्ट में एक यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी और उसका एक सबसेट गिवन है ए कॉमा डी। आपको ए डैश मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला, ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है यूनिवर्सल सेट में से सेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। यूनिवर्सल सेट हमारे पास इस वक्त ए बी सी और डी गिवन है, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ए और डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी इसका रिजल्ट पढ़ा जाएगा, सी यहाँ मौजूद नहीं है सी को लिखेंगे और डी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब बी सी आ जाएगा। ये इसका रिजल्ट आया। यू मस्ट रिमेंबर, याद रखिएगा
वो एलिमेंट जो ए और डी में मौजूद हैं हरगिज़ हरगिज़ ए कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं होंगे। ए और डी मौजूद है, ये ए कॉम्प्लीमेंट में मौजूद नहीं होंगे। इनके अलावा एलिमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होंगे। आई होप ये क्लियर है। सो बेटा अब देखें इसका अगला पार्ट हम करते हैं। ये हमारे पास पार्ट है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात करेंगे तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, और इस एक्स कॉमा वाई का हम मैथमेटिकल इसको यूँ भी लिखा जा सकता है सिंप्लीफाई करके एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा सकते हैं। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि एक्स कॉमा वाई को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी नंबर से। एक्स मल्टीप्ली इनवर्स आइडेंटिटी का मतलब है कि इसको जिसे आप यूँ कहते हैं यूँ याद रखें, फाइव मल्टीप्लाइड बाई वन रिजल्ट क्या आएगा, फाइव के बराबर आ जाएगा। सिक्स मल्टीप्लाइड बाई वन मल्टीप्लाई होगा सिक्स कहलाएगा। तो आप मैथमेटिक्स में वन और वन जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। अब यहाँ इनमें से कोई नंबर पिक करना है, ऐसा नंबर पिक करना है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई आ जाए, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई पढ़ा जाए तो यहाँ कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ हम नंबर इमेजन करें, कौन सा नंबर इमेजन करें, वन कॉमा ज़ीरो हम ले लेते हैं। ये आपने याद रखना है, वन कॉमा ज़ीरो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आप बेटा चेक कर लेते हैं क्या ये जवाब हम सही निकाल रहे हैं नहीं। तो एक्स कॉमा वाई जो लिखा हुआ है, इस एक्स कॉमा वाई को वन कॉमा ज़ीरो से हम मल्टीप्लाई करके देखें, और हम क्लेम कर रहे हैं इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जवाब एक्स कॉमा वाई रहेगा। देखो एक्स प्लस आयोटा वाई है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस ज़ीरो आयोटा के साथ तो होगा क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई, वन प्लस ज़ीरो आयोटा का मतलब वन आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई के माने एक्स वाई लिखा जाएगा। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट वापस आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, इट मीन्स वन कॉमा ज़ीरो बी द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया ये मैट्रिक्स गिवन है, दो मैट्रिसेस हैं, दोनों थ्री एम प्लस फोर एन और सिक्स लिखा हुआ है, थ्री सिक्स टू सिक्स लिखा हुआ है। आपको अननोन मालूम करना है एम और एन। देयर आर टू मैट्रिसेस, और बीच में साइन कौन सी है, इक्वल की साइन है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो बेटा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हुआ करते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। यहाँ थ्री लिखा हुआ है, थ्री का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट थ्री हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद ये जो है सिक्स लिखा हुआ है, सिक्स और ये सिक्स एलिमेंट सेम होगा। यानी जो आपने पढ़ा क्लास टेन में, अगर लिखा है आपके पास थ्री टू तो इक्वल मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसमें यहाँ पे थ्री और टू एग्जैक्टली लिखा हुआ हो, तो देन मैट्रिसेस आर इक्वल। अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, इक्वल हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है। अब हम कंपेयर करें, सेकंड कंपोनेंट के बराबर ले लें, यानी एम प्लस फोर को किसके बराबर ले लिया जाए, सिक्स के बराबर ले लिया जाए। एंड और बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एन, इसका कॉरस्पॉन्डिंग टू है, एन को बेटा टू के बराबर ले लिया जाएगा। तो एन की वैल्यू तो टू हासिल हो गई, एम हम मालूम करते हैं, एम होगा सिक्स माइनस फोर, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए एम भी टू के बराबर है और एन भी टू के बराबर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये आपके पास परमोटेशन का एक सवाल है, एन परमोटेशन एन। अब आपको याद होना चाहिए परमोटेशन का फार्मूला होता है एन परमोटेशन आर, इसको लिखते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा जाता है। अगर आपके पास एन परमोटेशन एन आ गया है तो ऊपर वाला तो एन रहेगा और नीचे हम क्या लिखेंगे, एन माइनस एन फैक्टोरियल लिख देंगे। बेटा ऊपर वाला तो एन फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे वाला एलिमेंट ज़ीरो फैक्टोरियल पढ़ा जाएगा। एन फैक्टोरियल को तो एन फैक्टोरियल लिखेंगे, ज़ीरो फैक्टोरियल वन के बराबर, तो ओवरऑल जवाब मिल जाएगा आपको एन फैक्टोरियल, इसका रिजल्ट आ जाएगा एन परमोटेशन एन का रिजल्ट एन फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये कुछ फार्मूले हैं हमारे पास, वन प्लस कॉस थीटा। बेटा वन प्लस कॉस थीटा का बड़ा फेमस फार्मूला है जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, फार्मूला है टू
कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इसका फार्मूला हो जाएगा। इस दौरान आपने ये भी याद रखना है कि अगर कहीं वन माइनस कॉस थीटा आ जाए, इसका फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के बराबर हो जाएगा। वन प्लस है तो टू कॉस स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस दौरान बच्चे शायद ये वाला फार्मूला भी बनाते हैं, वन प्लस साइन थीटा के साथ भी फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, वन माइनस साइन थीटा के साथ भी फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। इनके लिए फार्मूले अवेलेबल नहीं हैं, सिर्फ फार्मूले वन प्लस कॉस थीटा के साथ हैं और वन माइनस कॉस थीटा के साथ हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ये हमारे पास रिजल्ट हैं कुछ। टेंजेंट ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा लिखा हुआ है, टेंजेंट ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, ये टेंजेंट 90 माइनस थीटा पढ़ा जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। तो 90 का बिहेवियर है चेंज हो जाता है, क्या मतलब, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा ये चेंज होके कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा ये चेंज होकर साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेंजेंट ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बिहेवियर है 90 डिग्री का, कि एंगल अगर छोटा सा हो, थीटा कोई स्मॉल एंगल हो, तो उस सूरत में 90 का बिहेवियर है कि ये 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल जो है वो साइन से कॉस, कॉस से साइन, टेन से कॉट बन जाएगा। ये फार्मूला भी कई मरतबा पूछा गया, ये है सम से प्रोडक्ट फार्मूला, साइन यू माइनस का साइन वी का फार्मूला है। और इस फार्मूले में हम जो है वो ये कहलाता है फार्मूले हमारे पास, इन फार्मूले को नाम देंगे सम, सम टू प्रोडक्ट फार्मूले कहलाते हैं, सम टू प्रोडक्ट फार्मूले कहलाते हैं। अब ये साइन की फैमिली के दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, साइन यू प्लस साइन वी के साथ फार्मूले हैं, एक फार्मूला साइन यू माइनस साइन वी के साथ फार्मूला है। इसका दोनों फार्मूले में टू लिखा जाएगा, प्लस में आप साइन ऑफ यू प्लस वी अपॉन टू और कॉस ऑफ यू माइनस वी अपॉन टू लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा साइन यू माइनस साइन वी में पहले कॉस आ जाएगा, कॉस यू प्लस वी अपॉन टू पढ़ा जाएगा और साइन ऑफ यू माइनस वी अपॉन टू आ जाएगा। इस मरतबा माइनस के साथ पूछा गया है तो माइनस के साथ रिप्लेस कर दें। ये लिखा है ए मैट्रिक्स, लिखा है ए वन टू, सेकेंड मैट्रिक्स बी है 2, 3। बेटा इसमें मालूम करना है ए यूनियन बी मालूम करना है, ए माइनस बी और इसका यूनियन लेंगे। ए माइनस बी का मतलब सेट ए लिखा जाएगा 1, 2 और माइनस बी लिखेंगे 2, 3 रिप्लेस करेंगे। जब हम ए माइनस बी मालूम करेंगे, सब्ट्रैक करेंगे, तो सिर्फ ए के एलिमेंट को कॉल करेंगे, 1 को कॉल करें बिल्कुल कॉल करें 1 आ सकता है, 2 को कॉल करें नहीं 2 वहाँ सब्ट्रैक हो जाएगा। अब बेटा ये ए माइनस बी, ए माइनस बी और यूनियन बी, ए माइनस बी का मतलब हो गया 1, यूनियन में यूनियन ऐसे लिख देंगे, बी के माने हैं 2, 3। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए 1, 2 और 3, ये इसका जवाब आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब बेटा इस सिलसिले का लास्ट पार्ट है, एक मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, इट मीन्स डायगोनल ऑफ 2, 3, 4, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल में 2, 3, 4 लिखे हुए, बाकी सब जगह 0 लिखे हुए, डायगोनल में आपको मिलेंगे 2, 3, 4 बाकी सब जगह 0। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ये लिखा हुआ है 2, 0, 0, 0, 3 और ये 0, 0, 0 और 4, ये डिटर्मिनेंट आ गया। इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट लिखे हुए हों बाकी तमाम एलिमेंट 0 हों तो हम डायगोनल पे अटैक करेंगे। डायगोनल पे अटैक करने का मतलब है ये 2 × 3 × 4 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, ये 24 हो जाएगा। आई होप ये MCQs आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको दान में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।